वो लोग बिजनेस करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपकी बॉडी के साथ तो बिजनेस नहीं कर रहे हो ना। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है, मैं हूँ ज्योति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक राइस यानी काला चावल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो एक धान है, धान के छिलका निकलने के बाद उसके अंदर जो राइस है, चावल है, उस चावल की जो फर्स्ट लेयर है, उस फर्स्ट लेयर में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, उसका नाम है एंथोसायनिन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये किस लिए चाहिए? आपकी जो ब्रेन है, उस ब्रेन को फंक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में सही तरह से करता है। और आपकी जो हार्ट है, जो जिन लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम्स है, हार्ट की बीमारी है, उन लोगों के लिए अच्छा है। ये हार्ट की बीमारी को दूर करने के लिए मदद करता है। और जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये चावल बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। और फाइबर क्या करता है? जो आप ओवर ईटिंग करते हो, एक बार खाने के बाद फिर बार बार खाते हो, उस खाने को रोक देता है, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्लो कर देता है। और स्लो डाइजेस्ट होने के कारण आपकी जो ब्लड शुगर है, वो ब्लड शुगर लेवल डाउन रहेगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की जगह फाइबर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जो लोग फैट लॉस करना चाहते है वो लोग इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये स्लो डाइजेस्टिव फूड है, जो कि एक बार खाने से आपको ये महसूस होगा कि आपके पेट के अंदर खाना है, जिसके कारण आपको दूसरे बार भूख नहीं लगेगा। भूख लगने का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, देर बहुत देर में आपको भूख लगेगा। और मेजोरिटी में लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और फास्ट फूड जो स्ट्रीट फूड है, रोड साइड में जो खाना बेचता है, उस खाने को खा लेते हैं। उस खाने को लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन बनता है, टॉक्सिन। वो टॉक्सिन क्या है? जहर। और फाइबर क्या करता है? आप जो भी खाना खाते हैं, उस खाने को खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो टॉक्सिन बनता है, उस टॉक्सिन को बाहर निकाल लेता है, जो कि इस चावल के अंदर प्रेजेंट है। और मार्केट में ये फास्ट फूड बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है। देखो, वो लोग बिजनेस करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपकी बॉडी के साथ तो बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, तो आप क्यों खा रहे हो सब? और मार्केट में जो व्हाइट चावल मिलता है, उसके ऊपर जो छिलका है, मतलब धान से जब चावल बनता है, चावल बनने के बाद उसके ऊपर जो एक छिलका है, उस छिलके को ये लोग क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। और ऊपर से यहाँ पे फाइबर तो आपको कम मिल रहा है व्हाइट चावल से, और फिर भी उसे ये लोग क्या करते हैं, उस चावल को पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है आप जब खाते हो। और शुगर लेवल को बढ़ाने से क्या होता है, हमारे जो इंसुलिन है, इंसुलिन को स्पाइक करता है, वो इंसुलिन आपको डाउन हो जाता है, इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण आगे जाके आपको डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाता है। और मेडिकेशन के ऊपर आप इंसुलिन लेते हो पैसा खर्च करके। बात करें यहाँ पे प्राइस की, जो प्राइस है व्हाइट चावल से, ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस है, आसपास 300 से 400 रुपया पर केजी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, ये आपकी बॉडी में खुद के ऊपर खर्च कर रहे हो, ना कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, आपकी बॉडी के साथ कुछ बिजनेस कर रहे हो नहीं ना। जैसे लोग फास्ट फूड दुकान में जाके फास्ट फूड खाना खाते हैं, आप तो नहीं खाते हो ना, यदि खाते हो वो लोग बिजनेस करने के लिए बेचते हैं, क्या आप बिजनेस करने के लिए खाते हो? चॉइस आपकी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको और किसी दिन और एक वीडियो में, तब तक बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।